हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज के बारे में। इसका पूरा टाइटल था द लाइफ एंड डेथ ऑफ अ मैन ऑफ कैरेक्टर। इसे थॉमस हार्डी ने 1886 में लिखा था। इसे सबसे पहले लंदन में पब्लिश करवाया गया था। स्मिथ हेल्डर एंड कंपनी ने इसे पब्लिश किया था। इस वर्क को सबसे पहले एज अ सीरियल फॉर्म 1886 में द ग्राफिट में पब्लिश किया गया था। द ग्राफिट एक मैगजीन थी। इसके बाद पूरा नॉवल उसी साल बाद में पब्लिश कर दिया गया था। इस नॉवल की सेटिंग रखी गई है एक फिक्शनल टाउन जो कि कैस्टरब्रिज है। ये रियल टाउन जो कि डॉर्चेस्टर है डॉर्सेट में, उसके ऊपर बेस था। इस कहानी का टाइटल प्लान किया गया था द लाइफ एंड डेथ ऑफ माइकल हेंचर्ड, लेकिन हार्डी के एडिटर ने उन्हें सजेस्ट किया कि आप इसका नाम चेंज कर दीजिए और इसके बाद इसका नाम द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज रखा गया। हार्डी ने अपने इस नॉवल की इंस्पिरेशन ली थी अपने ही लाइफ में देखे गए एक रियल इंसिडेंट से। जब वो डॉर्चेस्टर फेयर देखने गए थे 1844 में, तब उन्होंने एक आदमी को देखा था जो अपने वाइफ को ऑक्शन में बेच देता है, और इससे इंस्पायर होकर उन्होंने द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज नॉवल लिखा। इस नॉवल में हमें कई थीम्स देखने को मिलती हैं, जैसे फेट, गिल्ट, रिडेम्पशन और किसी भी इंसान के द्वारा किए गए काम, भले ही वो अच्छे हों या बुरे हों, उनके कॉन्सिक्वेंसेस हम सभी को देखने पड़ते हैं। इस नॉवल में हमें सोशल मोबिलिटी और क्लास डिवीजन की भी थीम देखने को मिलती है। उस समय इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, उसका भी रिफ्लेक्शन हमें इस वर्क में साफ देखने को मिलता है। इस नॉवल को अडेप्ट किया गया है कई फिल्मों और टेलीविजन के सीरियल्स में, जैसे द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज एक साइलेंट मूवी थी 1921 की, मेयर नायर अ 1966 इंडियन मलयालम फिल्म, दाग अ 1973 बॉलीवुड रोमांटिक ड्रामा फिल्म, विचित्र जीवितम अ 1978 रीमेक ऑफ दाग, द क्लेम अ 2000 फिल्म सेट इन द American West with events loosely based on the novel. The Mayor of Casterbridge, a 2003 British TV film. आइए अब जान लेते हैं इस वर्क के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में। सबसे पहला कैरेक्टर आता है माइकल हेंचर्ड का। ये इस कहानी का प्रोटैगनिस्ट था जिसके अराउंड पूरी कहानी रिवॉल्व करती है। सुजन हेंचर्ड न्यूसन, ये माइकल की वाइफ थी जिसकी बाद में शादी रिचर्ड न्यूसन से हो जाती है। एलिजाबेथ जेन हेंचर्ड, ये माइकल और सुजन की बेटी थी जिसकी ऑक्शन के बाद डेथ हो जाती है। एलिजाबेथ जेन न्यूसन, ये सुजन और रिचर्ड की बेटी थी जो मैनर्स और रिस्पेक्टेबिलिटी को काफ़ी सीरियसली लेती थी। एलिजाबेथ के रिलेशंस इस वर्क के बाकी डायरेक्टर्स के साथ काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल थे। रिचर्ड न्यूसन ये टाइम सेलर था, इसने ही ऑक्शन में सुजन और एलिजाबेथ को खरीदने का ऑफर दिया था, लेकिन वो सुजन से बिना पूछे उसकी परमिशन लिए बिना उसे नहीं ले जाता है, और इससे पता चलता है कि वो एक काफ़ी अच्छा इंसान था। द फर्मिटी सेलर, इनका पूरा नाम मिसेस गुडइनफ था, ये माइकल के कहने पर उसकी फर्मिटी में रम मिला देती है। डोनाल्ड फारफ्रे, ये एक यंग स्कॉट्समैन था जिसे बिजनेस की बहुत अच्छी नॉलेज थी। हेंचर्ड बाद में इसे काम पर रख लेता है। जोशुआ जॉब, माइकल के जनरल मैनेजर की पोस्ट का पहला एप्लीकेंट जोशुआ था। इसके रिलेशंस माइकल के साथ बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। टाउन में स्टिमिटी राइट के पीछे इसी का हाथ था। एबल विटिल, ये हेंचर्ड का एक हम्बल एम्प्लॉय था। हेंचर्ड उसके लेजी बिहेवियर की वजह से उसे ह्यूमिलिएट करता है। लिसिटा टेम्पलमैन, ये काफी ज्यादा इम्पल्सिव और आउट स्पोकन लेडी थी। इसका हेंचर्ड के साथ अफेयर होता है और बाद में ट्रेजिकली उसकी डेथ हो जाती है। इस कहानी के स्ट्रक्चर में हमें 45 चैप्टर्स देखने को मिलते हैं।
चैप्टर 1-10। इस नॉवल की कहानी शुरू होती है कैस्टर ब्रिज के पास में ही एक स्मॉल विलेज से। माइकल हेंचर्ड, जो कि एक अनएम्प्लॉयड हेयरड्रेसर था, वो वेडन ट्रायर्स नाम के विलेज में जाता है। वो उस समय अपनी वाइफ और अपनी बच्ची के साथ होता है। रास्ते में उन्हें एक राहगीर मिलता है जिससे वो पूछता है कि क्या यहाँ पर कोई काम है, मुझे किसी भी तरह का एम्प्लॉयमेंट चाहिए। वो पासर बाय उसे बताता है कि अभी तो यहाँ पर कोई भी काम नहीं है। माइकल और सूजन उसके बाद वेडन फेयर पहुँचते हैं। वेडन फेयर पहुँचते ही उन दोनों को भूख लगती है। पहले तो माइकल उस टेंट में जाना चाहता था जहां पर अल्कोहल और ऐसी ही चीजें मिल रही थी, लेकिन सूजन उसे मना करती है कि नहीं, हम फर्मिटी वाले टेंट में जाएंगे। फर्मिटी एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें कॉर्न, मिल्क, रेजिन्स और करेंट्स होते हैं। ये हमारे यहाँ के दलिये की ही तरह होता है। टेंट में माइकल उस फर्मिटी वुमेन को थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा देता है जिससे वो उसकी फर्मिटी में रम मिला देती है। रम को पीते ही माइकल की पर्सनालिटी बुरी तरह से चेंज हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा वॉयलेंट और एग्रेसिव हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या कर रहा है। टेंट के बाहर एक ऑक्शन हो रहा था जिसमें खराब क्वालिटी के घोड़े बेचे जा रहे थे। माइकल उसी समय चिल्लाता है कि अनवांटेड वाइफ्स को भी ऑक्शन में सेल करने का ऑप्शन होना चाहिए। वो पूरी तरह से अपना होस्ट हो देता है और अपनी वाइफ सूजन का ऑक्शन करने लगता है। जब ऑक्शन का प्राइस 5 डिनीज पर पहुंच जाता है, तब एक सेलर सामने आता है। वो सूजन और एलिजाबेथ को ले जाने के लिए तैयार था। हेंचर्ड उसे उन दोनों को बेच देता है। सूजन और एलिजाबेथ जेन सेलर के साथ चली जाती हैं। सूजन बहुत ज़्यादा दुखी होती है और अपनी वेडिंग रिंग को माइकल के फेस की तरफ फेंक कर चली जाती है। वहाँ से हर कोई चला जाता है, तब हेंचर्ड एक डीप स्लीप में पहुँच जाता है। अगले दिन सुबह जब माइकल उठता है तो उसे कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन जब वो वहाँ से बाहर निकलता है तो उसे याद आता है कि पिछली रात उसने क्या किया था। उसे लगता है कि ऐसा तो नहीं कि कोई मेरा नाम जानता हो या कोई मुझे जानता हो। वो फिर अपनी वाइफ को कर्स करने लगता है कि अरे, मैं तो नशे में था, लेकिन मेरी वाइफ उस सेलर के साथ कैसे चली गई? उसने कैसे मान लिया कि मैंने उसे सच में बेच दिया है? लेकिन थोड़ी देर बाद उसे रियलाइज़ होता है कि नहीं, गलती मेरी ही थी। इसलिए वो अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए बाहर जाता है। वो कुछ महीनों तक अपनी वाइफ और डॉटर को ढूंढता रहता है। उसे एक फैमिली के बारे में पता भी चलता है जो कि सेलर की फैमिली से बिल्कुल मिलती जुलती थी, लेकिन क्योंकि वो वहां से चले गए थे, इसलिए अब हेंचर ने भी उम्मीद छोड़ दी थी। अब वो वापस टास्टरब्रिज जाता है। हेंचर्ड एक दिन एक चर्च में जाकर बाइबल के ऊपर हाथ रख के कसम खाता है कि वो 21 सालों तक बिल्कुल भी अल्कोहल को टच नहीं करेगा। 18 साल बीत जाते हैं और हमें पता चलता है कि रिचर्ड न्यूसन की डेथ हो चुकी है। सूजन और उसकी बेटी अब माइकल के पास वापस आना चाहते थे। वो वेडन प्रायर्स पहुंचते हैं जहां पर उन्हें वही फर्मिटी वुमेन मिलती है जो कि उन्हें बताती है कि अब हेंचर्ड यहां पर नहीं बल्कि टेस्टरब्रिज में है। सूजन बिना देरी किए टेस्टरब्रिज ले निकल जाती है। सूजन ने कभी भी एलिजाबेथ जेन को ये नहीं बताया था कि वेडन प्रायर्स में आखिर हुआ क्या था। एक फ्लैशबैक के थ्रू हमें पता चलता है कि सूजन की लाइफ इनिशियली कैसे कट रही थी। पहले वो लोग कनाडा में रहते थे और उसके बाद वो इंग्लैंड आ गए थे। सूजन कभी भी न्यूसन के साथ नहीं रहना चाहती थी, इसीलिए रिचर्ड भी उसे छोड़कर चला जाता है। कुछ दिन बाद उसकी मौत की खबर आती है। सूजन ये जानकर बहुत ज़्यादा रिलीफ महसूस करती है कि ठीक है, सिटम मैं अपने हस्बैंड को तो ढूंढ सकती हूँ। ये सूजन एलिजाबेथ के साथ टेस्टरब्रिज आई थी। टेस्टरब्रिज पहुंचते ही उन्हें पता चलता है कि हेंचर एक सक्सेसफुल ग्रेन मर्चेंट बन गया है। उसने बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट गेन की थी। टाउन के लोग उसे बहुत ज्यादा एडमायर करते थे।
और इसी तरह वो वहां का मेयर बन गया था। जब सूजन और एलिजाबेथ ट्रिंस आर्म इन में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि ये बहुत ज्यादा क्राउडी प्लेस है। एक बूढ़ा आदमी उन्हें बताता है कि आज मेयर यानी कि हेंजर्ड ने एक पब्लिक डिनर ऑर्गेनाइज किया है। सभी लोग उस डिनर के लिए ही वहां पर थे। सूजन एक बहुत ही अजीब चीज नोटिस करती है, जो कि था कि सब लोग तो खाना पीना खा रहे थे लेकिन हेंजर्ड ने वाइन को हाथ तक नहीं लगाया। तब ओल्ड मैन ने उसे बताया कि मेयर ने कभी भी ड्रिंक ना करने की ओथ ली है। कुछ देर बाद मेयर के सामने सब अपनी प्रॉब्लम्स को जाहिर करने लगते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि किस तरह इस समय ब्रेड की क्राइसिस चल रही है। दरअसल उस साल हेंचर्ड का ग्रो किया हुआ वीट काफी ज्यादा खराब क्वालिटी का था। हेंचर्ड लोगों को अश्योर करता है कि अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। उसी समय पास से ही एक स्कॉचमैन वहां से गुजर रहा था। उसने ये सारा डिस्कशन सुना और वो तैयार हो जाता है मेयर से बात करने के लिए। वो हेंचर्ड को एक नोट लिखता है और उससे कहता है कि तुम मुझसे थ्री मैरिनर्स इन में मिलो। ये सब चीजें एलिजाबेथ देख रही थी और वो डोनाल्ड की तरफ अट्रैक्ट होती है। ये स्कॉचमैन डोनाल्ड फारफ्रे ही था। डोनाल्ड फारफ्रे का लेटर मिलते ही हेंचर्ड भी उससे मिलने के लिए थ्री मैरिनर्स इन आ जाता है। अब हमें सेटिंग कुछ इस तरह की देखने को मिलती है कि ये दोनों लेडीज हेंचर्ड और फारफ्रे की बात सुन सकती थी। अब तीनों लोग थ्री मैरिनर्स इन में थे। फारफ्रे हेंचर्ड से कहता है कि मैं एक ऐसी टेक्निक जानता हूं जिससे सारी खराब ड्रॉप अच्छी हो जाएगी। हेंचर्ड फारफ्रे को एक जॉब ऑफर करता है जिसे वो डिक्लाइन कर देता है। वो कहता है कि मैं पहले और ज्यादा घूमना चाहता हूं और जिंदगी जीना चाहता हूं। इसके बाद दोनों ड्रिंक करने के लिए बैठते हैं लेकिन हेंचर्ड मना कर देता है। फारफ्रे हेंचर्ड की इस ऑनेस्टी को देखते बहुत ज्यादा इंप्रेस होता है। बाद में फारफ्रे एक गाना गा रहा होता है। उसने टाउन के लोगों के सामने रॉबर्ट बर्न्स का फेमस सॉन्ग ऑड लैंड साइन गाया, जिससे सारे लिसनर्स काफी ज्यादा मेस्मराइज हो गए थे। सब लोग उससे बार बार कहने लगे कि मुझे और गाने सुनने हैं। एलिजाबेथ जेन भी फारफ्रे की इस क्वालिटी को काफी ज्यादा एडमायर करती है क्योंकि उसे भी म्यूजिक पसंद था। उसे तुरंत ही फारफ्रे के साथ एक कनेक्शन महसूस होता है, लेकिन क्योंकि फारफ्रे की जाने की बात उसे भी पता होती है इसलिए वो थोड़ी सी अपसेट हो जाती है। दूसरी तरफ हेंचर्ड फारफ्रे से कहता है कि अब जब तुम यहाँ से जाने ही वाले हो तो क्यों ना हम एक लास्ट वॉक ले लेते हैं। दोनों तैयार हो जाते हैं और इसके बाद सूजन को भी ऐसा लगने लगता है कि जब हेंचर्ड किसी स्ट्रेंजर को नोटरी पर रख सकता है तो मैं तो उसकी वाइफ थी, वो मुझे तो हेल्प कर ही रही। सूजन एलिजाबेथ से कहती है कि तुम अपने डैड के पास जाओ और उन्हें इन्फॉर्म करो। तुम उनसे कहना कि आपसे मिलने एक बहुत डिस्टेंट रिलेटिव आई है। वो रिलेटिव एक सेलर की विडो है। उसी समय हमें एक न्यू कमर देखने को मिलता है जिसका नाम होता है जोशुआ जॉब। एक्चुअली वो हेंचर्ड के मैनेजर की पोस्ट के लिए आया था, लेकिन क्योंकि फारफ्रे को हेंचर्ड के मैनेजर की पोस्ट मिल रही थी इसलिए हेंचर्ड उसे मना कर देता है। इस चीज को सुनकर जॉब बिटरली डिसअपॉइंट होता है। दूसरी तरफ जब सूजन और एलिजाबेथ के बारे में हेंचर्ड को पता चलता है तो वो सूजन को एक नोट लिखता है। वो उससे कहता है कि तुम मुझे रिन एम्फीथिएटर में मिलो। सूजन उसका ये नोट पाकर तुरंत ही खुश हो जाती है और उसे मिलने के लिए हाँ कर देती है। हेंचर्ड ने उसे इस नोट के साथ 5 पाउंड का नोट और 5 शिलिंग्स भी दिए थे। अब आते हैं चैप्टर 10-20 की तरफ। अगली रात सूजन हेंचर्ड से मिलने जाती है। वो उसी रोमन रून में जाती है जो कि टेस्टब्रिज में था। इस रोमन रून का नाम था द रिंक। ये एक रोमन एम्फीथिएटर था। एम्फीथिएटर वो थिएटर्स होते थे जहां पर पहले के लोग प्लेस देखा करते थे। इसकी सीढ़ियां कुछ ऐसे ही बनी होती हैं जैसे कि किसी स्टेडियम में बनी होती हैं। हेंचर्ड सूजन से पूछता है कि तुमने मुझे कभी भी कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की। सूजन ने कहा कि मैं न्यूसन के साथ फेथफुल रहना चाहती थी। माइकल सजेस्ट करता है कि अब हम दोनों फिर से शादी कर सकते हैं अगर तुम मेरी बात मानो तो। सूजन तुरंत ही तैयार हो जाती है। माइकल सूजन से कहता है कि तुम एक काम करो, तुम कॉटेज में रहना शुरू करो। तुम एक कॉटेज में विडो न्यूसन की तरह रहो। मैं तुमसे वहीं पर मिलने आता रहूंगा। इससे टाउन के लोगों को ज्यादा शक भी नहीं होगा। तुम अपनी बेटी के साथ वहीं पर रहो, मैं वहां पर आऊंगा और फ्रीक्वेंटली विजिटिंग के बाद मैं तुमसे शादी कर लूंगा।
हेंचर्ड जब वापस जाता है तो उसे समझ में आता है कि फारफ्रे अभी भी वहां पर काम कर रहा था। वो उसे अपने पास्ट रिलेशनशिप के बारे में बताता है जो कि जर्सी में हुआ था। जर्सी में उसे एक लेडी मिली थी ल्यूसिटा, जिसने बीमारी के समय उसे काफी ज्यादा मदद की थी। लेकिन अब हेंचर को समझ में आ रहा था कि उसकी फर्स्ट ड्यूटी उसकी वाइफ की तरफ थी, ना कि ल्यूसिटा की तरफ। फारफ्रे ल्यूसिटा को एक लेटर लिखता है और हेंचर उसे भेज देता है। दूसरी तरफ हेंचर्ड सूजन को बार बार विजिट करता रहता है और इसी तरह धीमे धीमे र्यूमर्स फैल जाती हैं। टाउन के लोग समझ जाते हैं कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। उनको पता चलता है कि अभी जल्दी ही इन दोनों की शादी होने वाली है। टाउन के लोग मिसेस न्यूसन को द घोस्ट बुलाते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका अपियरेंस काफी ज्यादा फ्रेजाइल और पेल था। सूजन और हेंचर्ड की नवंबर में शादी हो जाती है। एक दिन हेंचर्ड नोटिस करता है कि एलिजाबेथ जेन के बाल तो पहले काले हुआ करते थे, इसके बाल हल्के रंग के कैसे हो गए। हेंचर्ड सूजन से पूछता भी है, लेकिन सूजन घबराकर कोई भी जवाब नहीं देती। हेंचर्ड एलिजाबेथ के साथ एक डीपर कनेक्शन एस्टेब्लिश करना चाहता था, इसलिए वो उनसे कहता है कि तुम एक काम करो, तुम एलिजाबेथ से कहो कि तुम अपने सरनेम में मेरा नाम लगा लो, हेंचर्ड लगा लो। सूजन इस चीज को सुनकर थोड़ा सा हेजिटेट करती है। वो कहती है, ठीक है, अगर एलिजाबेथ इस चीज को मान जाती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाद में ये पूरा मैटर डिसमिस हो जाता है। दिन बीतते जाते हैं और एलिजाबेथ नोटिस करती है कि हेंचर्ड और फारफ्रे की काफी अच्छी दोस्ती हो गई है। उसी समय एलिजाबेथ धीमे धीमे अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रही थी। उसका फैशन इम्प्रूव हो रहा था और अब विलेजर्स को भी काफी ज्यादा मॉडर्निटी दिख रही थी उसके कपड़ों में। कुछ दिन बाद हम ये नोटिस करते हैं कि हेंचर्ड और फारफ्रे की दोस्ती अब शायद वैसी नहीं रही। बीच बीच में कुछ इश्यूज आने लगे थे। होता यह है कि एक दिन जब हेंचर्ड अपने ऑफिस में काम कर रहा था तो उसने अपने एक अनपंचुअल और लेजी एम्प्लॉय को बुलाया, जिसका नाम था एबल विटल। वो उसे बहुत ज्यादा स्कोल्ड करता है। अगली सुबह भी जब एबल काम पर नहीं आया तो हेंचर्ड जबरदस्ती उसके घर चला गया और रफली उसे उठाकर काम करने के लिए ले आया। उसने अपने ब्रिचेस भी नहीं पहने हुए थे। फारफ्रे को ये देखकर बहुत अजीब लगता है और वो हाफ ड्रेस्ड एबल को कहता है कि तुम यहाँ से तुरंत चले जाओ और अपने आप को ड्रेस कर के आओ। यहाँ पर तभी आना जब तुम प्रॉपर तरीके से ड्रेसअप हो जाओ। फारफ्रे की इस हरकत से हेंचर्ड को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब फारफ्रे हेंचर्ड के हर काम में टांग अड़ाने लगा था। हेंचर्ड अब फारफ्रे की पॉपुलैरिटी को देखकर भी बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। अब लोग हेंचर्ड से ज्यादा फारफ्रे को फेवर कर रहे थे। एक दिन कोई नेशनल इवेंट का सेलिब्रेशन होना था। उस नेशनल इवेंट के सेलिब्रेशन के लिए हेंचर्ड और फारफ्रे दोनों ही तैयारी कर रहे थे। हेंचर्ड ने एक बहुत ग्रैंड इलेबोरेट आउटडोर एंटरटेनमेंट का तैयारी की थी। लेकिन हेंचर्ड की खराब किस्मत की वजह से उसी दिन मौसम बहुत ज्यादा खराब हो जाता है और माइकल का फेयर पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। माइकल डिसहार्टन हो जाता है और टेस्टब्रिज वापस चला जाता है। उसी समय दूसरी तरफ फारफ्रे के यहाँ डांस चल रहा था। सूजन और एलिजाबेथ भी वहां पर आई थी और फारफ्रे के साथ एलिजाबेथ जेन डांस भी करती है। लोग हेंचर्ड को टीज करते हैं कि अरे ये तो नया आया हुआ लड़का है और इसने आपको हरा दिया। हेंचर्ड ये सब सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि ये सब चीजें ज्यादा दिन नहीं चलेगी क्योंकि फारफ्रे ये बिजनेस छोड़ के जाने वाला है। जब फारफ्रे वो बिजनेस छोड़ देता है और एलिजाबेथ को बाय कहता है तो उसे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। एक्चुअली में फारफ्रे वहां से जाता भी नहीं है। उसने पास में ही एक स्मॉल कॉर्न और हे बिजनेस को शुरू किया था। अब हेंचर्ड को जब उसके बिजनेस के बारे में पता चलता है तो वह एलिजाबेथ जेन को डांटता है कि अब तुम उससे कोई भी मतलब नहीं रखोगी और उससे कोई भी कांटेक्ट नहीं रखोगी। धीरे धीरे समय बीतता है और सूजन की तबीयत खराब हो जाती है। हेंचर्ड के पास एक लेटर आता है जो कि ल्यूसिटा ने उसे लिखा था। ल्यूसिटा ने लिखा था कि वो उसकी सारी बातों से सहमत थी। वो समझती थी कि वो उससे क्यों नहीं शादी कर सकता था। ल्यूसिटा ज्यादा कुछ तो नहीं कहती, बस वो उससे कहती है कि तुम मेरे लेटर्स वापस कर दो।
हैंचर्ड मान जाता है और उसे मिलने ले जाता है। हालांकि वो वहां पर लेटर्स लेने के लिए होती नहीं है, इसलिए हैंचर्ड भी ज्यादा ध्यान नहीं देता। एक दिन सूजन एक सीक्रेट नोट लिखती है। उसने ये नोट अपनी बेटी के लिए लिखा होता है। उसके ऊपर लेबल लगा होता है, नॉट टू बी ओपन अंटिल एलिजाबेथ जेन्स वेडिंग डे। उस लेटर को तब तक नहीं खोलना था जब तक एलिजाबेथ जेन की शादी नहीं हो जाती। संडे मॉर्निंग को सूजन की डेथ हो जाती है। सूजन के फ्यूनरल के 3 हफ्ते बाद एलिजाबेथ जेन रिपीटेडली न्यूसन को ही अपना फादर कहती है। पहले तो हैंचर्ड इस बात को बिल्कुल नहीं मानता है। वो उससे ये कहता है कि नहीं, तुम न्यूसन की नहीं, तुम मेरी ही बेटी हो। लेकिन जब बाद में हैंचर्ड को सूजन का वो लेटर मिलता है जिसमें उसने सारी बातें सारी सच्चाई लिखी होती हैं, तो हैंचर्ड का रवैया एलिजाबेथ की तरफ बिल्कुल बदल जाता है। वो अब उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। वो छोटी छोटी बात पर उसे स्कोल करने लगता है। हालांकि वो एलिजाबेथ जेन को डायरेक्टली कुछ भी नहीं कहता, लेकिन उसका रवैया देख के सारी चीज़ें क्लियर हो रही थी। एलिजाबेथ जेन अब बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगी थी। एक दिन जब वो अपनी मदर की ड्रेप पर जाती है तो उसे एक और औरत दिखाई देती है जो उसकी मदर की ड्रेप पर लैमेंट कर रही थी। ये और कोई नहीं बल्कि लुसिटा थी। लुसिटा ने ये सब चीज़ें प्लान करी थी जिससे एलिजाबेथ जेन उसके साथ रहने लगे और उसके पीछे पीछे उसका फादर हैंचर्ड भी उससे मिलने आ सके। चैप्टर 21-45। लुसिटा एलिजाबेथ जेन से कहती है कि तुम मेरे साथ हाई प्लेस हॉल रहने चलो। एलिजाबेथ जेन तुरंत तैयार हो जाती है। माइटल को पता चलता है कि एलिजाबेथ लुसिटा के साथ रहने जा रही है। असल में पहले लुसिटा का नाम मिस लेसियोर था, लेकिन क्योंकि अब उसने अपनी आंट से इनहेरिटेंस में ये नाम पाया था, इसलिए उसने अपना नाम लुसिटा टेम्पलमैन रख लिया था। लुसिटा तुरंत ही माइटल का वेट करने लगती है। एलिजाबेथ जेन और लुसिटा अब एक साथ रह रही होती हैं। माया माइटल को लेटर लिखती है। लेटर का जवाब भी माइटल नहीं देता, लेकिन एक दिन फारफ्रे एलिजाबेथ जेन से ज़रूर मिलने आता है। उस दिन लुसिटा ने एलिजाबेथ जेन को कहीं बाहर भेजा होता है, इसलिए अब मुलाकात होती है लुसिटा और फारफ्रे की। दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। लुसिटा उसकी रोमांटिक और ह्यूमन स्पिरिट को देखकर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होती है। दोनों एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करने लगते हैं। फारफ्रे लुसिटा से प्रॉमिस करता है कि वो उससे मिलने फिर से आएगा। 3 मिनट बाद जब माइकल लुसिटा से मिलने आता है तो लुसिटा का उससे मिलने का मन नहीं था, इसलिए वो उसे तुरंत मना कर देती है। एक दिन टाउन में फारफ्रे नई सीडिंग मशीन लेके आता है जिसका नाम था हॉर्स ड्रिल। लुसिटा और एलिजाबेथ दोनों ही उस मशीन को देखने जाती हैं। दूसरी तरफ हैंचर्ड भी उसे देखने जाता है, लेकिन हैंचर्ड को उस मशीन में ज़्यादा कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। एलिजाबेथ अब ध्यान देने लगती है कि शायद लुसिटा और फारफ्रे के बीच में कुछ तो चल रहा है। फारफ्रे लुसिटा को एलिजाबेथ जेन से ज़्यादा अटेंशन दे रहा था। एक दिन लुसिटा एलिजाबेथ जेन को एक स्टोरी सुनाती है। ये स्टोरी एक्चुअल में उसकी किसी दोस्त की नहीं बल्कि लुसिटा की खुद की थी। हालांकि एलिजाबेथ जेन ये समझ जाती है कि लुसिटा अपने किसी दोस्त के बारे में नहीं बल्कि अपने बारे में बात कर रही है। वो हैंचर्ड और फारफ्रे के बारे में पूछती है इनडायरेक्टली। हालांकि एलिजाबेथ जेन इस बारे में बिल्कुल भी कोई भी बात नहीं करना चाहती थी और उसे कोई भी रिप्लाई देने से मना कर देती है। हैंचर्ड लुसिटा से बार बार कहता है कि तुम उससे शादी कर लो, लेकिन लुसिटा उससे शादी नहीं करना चाहती थी। एलिजाबेथ जेन को समझ में आ रहा था कि फारफ्रे और हैंचर्ड दोनों ही लुसिटा से शादी करना चाहते हैं और अब वो बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। हैंचर्ड की लव लाइफ, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ सभी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थी। हैंचर्ड दोबारा से जोशुआ जॉब को हायर करता है जिससे कि वो फारफ्रे को सबक सिखा सके। वो प्लान करता है कि मैं फारफ्रे का बिजनेस पूरी तरह से रियोन कर दूंगा, इसीलिए वो एक वेदर हर्मिट को बुलाता है जिसका नाम था मिस्टर फॉल। वो मिस्टर फॉल से पूछता है कि अब की बार का मौसम कैसा रहेगा। मिस्टर फॉल ये प्रेडिक्ट करते हैं कि अब की बार मौसम बहुत ज़्यादा खराब होगा और बहुत ज़्यादा रेनी होगा। माइटल ये चीज़ जानकर बहुत सारा रेन इकट्ठा कर लेता है, लेकिन होता तो कुछ उल्टा ही है। इस बार का मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है और क्रॉप का जो प्राइस होता है वो गिर जाता है।
हेंचर्ट को बहुत बड़ा नुकसान होता है, वो जोशुआ जो आपको फायर कर देता है। लो प्राइस होने की वजह से फारफ्रे हेंचर्ट की तरह ग्रीन घटा कर लेता है और हेंचर्ट दूसरी तरफ उसे बेच देता है। अब सिचुएशन ये थी कि फारफ्रे के पास खूब सारा ग्रेन था और हेंचर्ट के पास नहीं। 3 दिन के बाद जब दोबारा मौसम बिगड़ता है तो अब हेंचर्ट के पास कुछ भी नहीं था जिसे वो बेच पाए, लेकिन अब फारफ्रे के पास फिर से बहुत सारा अनाज था जिसे वो ज़्यादा दामों पर बेच सकता था। इसीलिए इस तरह फारफ्रे का फायदा हो गया और हेंचर्ट का नहीं। 8 सितंबर इवनिंग को एलिजाबेथ जेन और लिसिटा देखते हैं कि फारफ्रे और हेंचर्ट के जो वर्कर्स थे वो आपस में लड़ाई कर रहे थे, लेकिन दोनों ही लोगों ने फारफ्रे को सपोर्ट किया ना कि हेंचर्ट को। हेंचर्ट फिर से एक बार लुसिटा के पास जाना चाहता था। उसे पता चलता है कि फारफ्रे और लुसिटा के बीच में कोई ना कोई तो चक्कर चल रहा है। बाद में कॉन्स्टेबल स्टबर्ड वहां आते हैं और कहते हैं कि आपको एक हियरिंग सुननी है। मेयर हेंचर्ट तुरंत तैयार हो जाता है कि ठीक है, मैं सुन लेता हूँ। वो हियरिंग एक ओल्ड वुमेन की थी। जब हेंचर्ट उसकी हियरिंग सुनने जाता है तो उसे समझ में आता है कि अरे, ये औरत और कोई नहीं बल्कि वो फर्विटी वुमेन थी जिसने कई सालों पहले उसे रम पिलाई थी। वो ओल्ड वुमेन पूरे टाउन के सामने हेंचर्ट की सच्चाई बता देती है और अब हेंचर्ट के पास और कोई रास्ता नहीं था उस सच्चाई को एक्सेप्ट करने के अलावा। वो इस ट्रुथ को एडमिट करता है कि हाँ, उसने ही अपनी वाइफ को 5 गिनीज में बेच दिया था। पूरा टाउन अब हेंचर्ट का मजाक उड़ाता है। हेंचर्ट के पास अब ना ही बिजनेस था, ना सेल्फ रिस्पेक्ट और ना ही पैसा। एक दिन एलिजाबेथ जेन के साथ जब वो बाहर होती है तो उसके ऊपर एक फेरोशियस बुल अटैक कर देता है। हालांकि हेंचर्ट उसे बचा लेता है, लेकिन लुसिटा के ऊपर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। लुसिटा हेंचर्ट से बहुत ज़्यादा दूर जाना चाहती थी। वो हेंचर्ट को कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, मैं पोर्ट ब्रेडी जा रही हूँ फारफ्रे से शादी करने। माइकल दोनों को शादी करता देख बहुत ज़्यादा एनरेज होता है और फिर लुसिटा को छोड़कर चला जाता है। वुमेन के इस रिवेल्यूशन से हेंचर्ट का सारा फॉर्च्यून, सारा पैसा और सारी इज्जत बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। डोनाल्ड फारफ्रे ने अब हेंचर्ट के सारे एम्प्लॉयज को भी हथिया लिया था। एक दिन हेंचर्ट 2 ब्रिजेस जो कि फेमस थे फेलियर्स और सुसाइड्स को अट्रैक्ट करने के लिए वहां जाता है। वो दूसरे ब्रिज के पास बैठा होता है और बिमोन कर रहा होता है अपनी सिचुएशन को लेकर। उसे याद आता है कि अब 20 साल पूरे हो गए हैं, अब तो मैं अल्कोहल का कंजम्पशन करना शुरू करूँगा, और उसके बाद वो फिर से अल्कोहल का कंजम्पशन करना शुरू कर देता है। एक दिन जॉब लुसिटा से बोलता है, क्यों ना तुम फारफ्रे से मेरी जॉब की बात करो, लेकिन लुसिटा उसको रिजेक्ट कर देती है। लुसिटा हेंचर्ट से कहती है कि तुम मेरे लेटर्स को वापस कर दो। हेंचर्ट मान जाता है, हालांकि वो ये लेटर जॉब को देता है डिलीवरी के लिए। अब क्योंकि जॉब लुसिटा को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसने उसकी जॉब लड़वाने से मना कर दिया था, इसलिए जॉब इस बात का फायदा उठाना चाहता था। उसे पता चल जाता है कि हेंचर्ट और लुसिटा के बीच में कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है। वो मिसेस कटसम, नैंस मॉकरिज और उस फर्मिटी सेलर के साथ पीटर्स फिंडर में जाकर उस लेटर को खोलता है। वो वहां पर सभी के सामने उन लेटर्स को पढ़ना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से लुसिटा का पूरा सीक्रेट रिवील हो जाता है। अब लुसिटा का सीक्रेट पूरे टाउन के बीच में टॉप ऑफ द टाउन बन जाता है। टाउन के लोग अब प्लान करते हैं एक स्टिमिटी राइड के लिए। स्टिमिटी राइड दरअसल वो राइड होती थी जिसमें उन लोगों को पब्लिक शेम किया जाता था जो कि अपने स्पाउसेस के साथ वर्दी नहीं थे। अगले दिन जब जॉब पैकेज को डिलीवर करता है तो लुसिटा तुरंत ही लेटर्स जला देती है, लेकिन अब क्या फ़ायदा, अब तो सारी चीज़ें सामने आ रही थी। दूसरी तरफ एक अलग ही कहानी चल रही थी। हेंचर्ट फारफ्रे को मारना चाहता था, लेकिन वो इस चीज़ में कामयाब नहीं होता है। फारफ्रे थोड़ी देर के लिए वहां से चला जाता है इसीलिए जब स्टिमिटी राइड हो रही थी तो उसे पता नहीं चलता। लोगों ने 2 स्टफ्ड फिगर्स को, एफिजीज को, जो कि हेंचर्ट और लुसिटा की थी, पूरे शहर में घुमाना शुरू किया। एलिजाबेथ जेन ने इस चीज को देख लिया और वो चाहती थी कि लुसिटा इन सब चीजों को ना देखे।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली लुसिटा इन सब चीजों को देख लेती है और वो शॉक में चली जाती है। उसी समय वो वहां बेहोश हो जाती है और डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर कहता है कि इसका बचना बहुत ही मुश्किल है। माइटिल जब फारफ्रे को ये बात बताता है तो फारफ्रे उस पर यकीन नहीं करता, लेकिन बाद में जब वो लुसिटा से मिलने आता है तो उसे यकीन हो जाता है। सुबह 4 बजे लुसिटा की भी डेथ हो जाती है। वो इस शॉक को झेल नहीं पाती। अब एलिजाबेथ जेन घर जाती है और माइटल से मिलती है। वो माइटल को कंसोल करती है और माइटल भी उसे कंसोल करता है। सारी चीजें सही चल रही होती हैं, लेकिन तभी कैप्टन न्यूसन वहां आ जाते हैं। ये वही कैप्टन न्यूसन थे जिनके बारे में सबको पता था कि उनकी डेथ हो चुकी है। जैसे ही एंजर को उनकी रियलिटी पता चलती है, वो बहुत ज्यादा शॉक में चला जाता है। लगता है कि अब तो वो एलिजाबेथ जेन को मुझसे अलग कर देगा। इसीलिए हैंजर्ड डर की वजह से न्यूसन से झूठ बोल देता है। वो उससे कहता है कि तुम्हारी बेटी तो बहुत साल पहले ही मर गई। न्यूसन इस चीज को सच मानकर वहां से चला जाता है। अब 8 साल बीत चुका था और डोनाल्ड और एलिजाबेथ जेन के बीच में फिर से रिलेशनशिप्स सुधरने लगे थे। डोनाल्ड फारफ्री फिर से एलिजाबेथ को पसंद करने लगा था। पहले तो न्यूसन वहां से चला गया था, लेकिन कुछ दिन बाद वो वापस वहां आता है। माइकल को अब फिर से वही डर सताने लगा। एलिजाबेथ जेन ने हैंजर्ड से पूछा कि एक स्ट्रेंजर बर्डमाउथ की तरफ से आ रहा है, वो मुझसे मिलना चाहता है, तो क्या मैं उससे मिलने जाऊं? हैंजर्ड को समझ में आ जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि उसका फादर है, इसलिए वो उसे अलाउ कर देता है। अब जब न्यूसन और एलिजाबेथ जेन एक दूसरे के आमने सामने होते हैं तो सारी सच्चाई सामने आ जाती है। एलिजाबेथ जेन माइकल से नफरत करने लगती है। हालांकि न्यूसन ने उसे ऐसा करने से मना किया, लेकिन फिर भी एलिजाबेथ जेन इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाती। न्यूसन फारफ्रे और एलिजाबेथ जेन की शादी करवाना चाहता था। माइकल को भी इस शादी के बारे में पता चलता है कि इन दोनों की शादी सेंट मार्टिन्स डे पर होने वाली थी। वो उन दोनों की शादी के लिए एक गोल्ड फिंच को लेकर जाता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाता और उस गिफ्ट को वहीं छोड़ देता है। कुछ दिन बाद हैंजर्ड फिर से एलिजाबेथ जेन के पास पहुंचता है, लेकिन एलिजाबेथ जेन अब भी उससे बहुत ज्यादा नाराज थी, इसलिए वो उसकी बात भी नहीं सुनना चाहती थी। वो उसे बहुत बुरी तरह से डांटकर वहां से हटा देती है। कुछ दिन बाद जब एलिजाबेथ जेन को वो बर्ड केज मिलती है जिसमें गोल्ड फिंच थी, वो टेरिबली अपसेट हो जाती है। उसे समझ में आता है कि मैंने शायद माइकल के साथ बहुत गलत किया। उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। एलिजाबेथ फारफ्रे से कहती है कि मैं हैंजर्ड से मिलना चाहती हूँ। जब हैंजर्ड को ढूंढते ढूंढते फारफ्रे और एलिजाबेथ जेन एबल के पास पहुंचते हैं तो एबल विटिल के कॉटेज में उन्हें पता चलता है कि माइकल की डेथ हो चुकी है। एबल ही वो पर्सन था जिसने माइकल को सहारा दिया था और माइकल के बुरे समय में उसका साथ दिया था। एबल विटिल एलिजाबेथ जेन को और फारफ्रे को एक विल दिखाता है जो कि हैंजर्ड ने प्रोड्यूस की थी अपने मरने से पहले। दैट एलिजाबेथ जेन फारफ्रे बी नॉट टोल्ड ऑफ माई डेथ और मेड टू ग्रीव ऑन अकाउंट ऑफ मी एंड दैट आई बी नॉट बरीड इन कॉन्सेक्रेटेड ग्राउंड एंड दैट नो सेक्सटन बी आस्क्ड टू टॉल द बेल एंड दैट नोबडी इज विश्ड टू सी माई डेड बॉडी and that no mourners walk behind me at my funeral and that no flowers be planted on my grave and that no man remember me to this I put my name Michael Hanchard। हैंजर्ड की इस विल को पढ़कर एलिजाबेथ जेन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करती है कि हैंजर्ड के लास्ट समय में वो उसके साथ नहीं थी और उसने उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। वो बोलती है, ओ डोनाल्ड व्हाट बिटरनेस लाइज देयर, ओ आई वुड नॉट हैव माइंडेड सो मच इफ इट हैड नॉट बीन फॉर माय अनकाइंडनेस एट द लास्ट पार्टिंग बट देयर इज नो ऑल्टरिंग सो इट मस्ट बी। ये नॉवल इसी नोट पर एंड होता है। हैंजर्ड के लाइफ के कॉन्सिक्वेंसेज सॉल्व होते हुए तो दिखते हैं, लेकिन उसका प्राइस बहुत बड़ा था। हैंजर्ड को अपनी जान रवानी पड़ी थी।
सबसे पहली थीम है फेट एंड डिटर्मिनिज्म की। फेट सबसे बड़ा रोल प्ले करती है इस कहानी के कैरेक्टर्स की लाइफ को शेप करने में। माइकल का अपनी वाइफ को सेल करने का इम्पल्सिव डिसीजन उसकी पूरी लाइफ को डिस्टर्ब कर देता है और उसी के कॉन्सिक्वेंसेस उसे बाद में झेलने पड़ते हैं। कैरेक्टर्स अपनी डेस्टिनीज के साथ स्ट्रगल करते हुए दिखाई देते हैं। फेट के सामने वो सब ही एक पपेट या कठपुतली की तरह थे। ये सभी चीजें डिटर्मिनिज्म की थीम को दिखाती हैं। दूसरी थीम है गिल्ट एंड रिडेम्पशन की। हैंचर्ड अपने पास्ट एक्शंस के लिए गिल्टी फील करता है। वो पूरी स्टोरी में अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने की कोशिश करता है। अगली थीम है कैरेक्टर। इस कहानी में हमें काफी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, जैसे हैंचर्ड का कैरेक्टर ना तो बहुत अच्छा है और ना ही बहुत बुरा। उसके कैरेक्टर में हमें कॉम्प्लेक्सिटी देखती है। उसके अंदर अपने आप को नुकसान पहुंचाने की बहुत खराब आदत थी, जिसकी वजह से वो हर समय लोनलीनेस का सामना करता था। एलिजाबेथ और सूजन लॉयल कैरेक्टर्स थे जिन्होंने कभी भी किसी को हर्ट नहीं किया। फायरफ्रे एक अच्छा इंसान था और वो शांत स्वभाव का था। वो प्यार और पर्सनल हैप्पीनेस को प्रायोरिटी देता है। अगली थीम है द इनएफिसिबल पास्ट। पास्ट को कोई भी बदल नहीं सकता है और यही पास्ट पूरे नॉवल में सभी को हॉन्ट करता है। हैंचर का पास्ट उसके आरी की पूरी लाइफ को खराब कर देता है और उससे जुड़े हुए सभी लोगों की भी। सोशल क्लास एंड एम्बिशन। सोशल एडवांसमेंट के लिए हैंचर हमेशा तैयार रहता है। स्टेटस के लिए ऑब्सेशन उसे गलत चॉइसेस के लिए मजबूर कर देता है। लव एंड रिलेशनशिप। कहानी में हमें रिलेशनशिप्स की कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलती है। कुछ रिलेशनशिप्स हिडन होते हैं जिन्हें बाद में रिवील किया जाता है, जैसे एलिजाबेथ का न्यूसन के साथ ब्लड रिलेशन और लुसिटर का हैंचर्ड के साथ रिलेशन। इन्हीं कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स की वजह से इस नॉवल में मिसअंडरस्टैंडिंग और सैक्रीफाइसेस भी देखने को मिलते हैं। ये सभी चीजें अल्टीमेट इमोशनल टर्मोइल को बढ़ावा देती हैं। इस तरह से ये पूरा नॉवल खत्म होता है। अगर आपको ये पूरा वर्ड समझ में आया हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इन लिट शेल्फ। थैंक यू सो मच।